प्रताप को साधने में हमें चेतक से अधिक श्रम करना पड़े। वैसे है कहाँ चेतक? इतना समय हो गया, उसे कहीं देखा नहीं आपके आसपास। जब से बिजोलिया से लौटे हैं, थोड़ा रूठा रहता है हमसे वो, पर हमें पूर्ण विश्वास है कि अभियान पर जाने से पहले वो ठीक हो जाएगा। हमें लगता है कि उसे भी हमारी तरह व्यस्त रहना भाता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि बिजोलिया से लौटने के पश्चात चेतक किसी की कमी अनुभव कर रहा हो, याद कर रहा हो किसी को? हमने कहा चलिए चेतक, चेतक हम अपने वचनों से बंधे हुए हैं, हमारी कठिनाइयां मत पड़ेगी और हम विनती करते हैं आपसे, चलिए चलिए चेतक चलिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। किंतु अजीराज, चलिए हम पूरी तरह से तैयार हैं आपके साथ ससाराम चलने के लिए। अब हमारे साथ नहीं जा रहे। क्यों? हम जान सकते हैं हमसे क्या भूल हुई है जो आपके इस अभियान में आप हमें साथ लेकर नहीं जा रहे? हाँ हाँ, ऐसे बिना अपने मित्रों को साथ लिए कोई अभियान पर जा सकता है भला? हाँ हाँ, कम से कम कारण तो पता चले बाजीराज। आप हमारे साथ ससाराम नहीं, बिजोलिया जा रहे हैं। बिजोलिया? जी, हम चाहते हैं आप सौभाग्यवती के साथ गौना कर पुनः उन्हें यहाँ लेकर वापस आए। बाजीराज, ये सब तो हम बाद में भी कर सकते हैं, मतलब ये अभियान पूर्ण होने के बाद। चक्रपाणि मिश्र, हमारे साथ रहते आपको अभियान की कमी नहीं पड़ने वाली, किंतु हम चाहते हैं कि ये बिजोलिया वाला जो गौना अभियान है, जो आपके लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, आप जाएं और इसे शीघ्र पूर्ण करें। आप कह रहे तो ठीक, आप कह रहे इसलिए हम कर रहे हैं। हाँ, अगर आपको हमारा सुझाव पसंद नहीं आया हो तो पता, इसे हम अगले साल तक टाल देते हैं, क्यों? हाँ हाँ, अब इतने वर्षों तक प्रतीक्षा कर ही ली है तो एक आध और सही। अरे नहीं नहीं, वेद पुराण में कहा गया है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी। बहुरी करोगे कब? हाँ हाँ, टालना क्यों, हम अभी चले जाते और संदेश वाले कहते कि संदेशा भिजवाया जा चुका है। बिजोलिया, अब जाकर गौने की तैयारी करें। कुछ वर्षों के लिए बिजोलिया लौट रहे हैं, तब भी ये आपको सदा हमारी याद दिलाएंगे। अजब दी, इन स्वर्णाभूषणों को पहनना बंद करें और कुछ श्रृंगार करें, कुछ सजे संवरें। क्यों? क्योंकि हमारे चक्रपाणि मिश्र जी के यहाँ से हमारे गौने का संदेश आया है और हमें पूरा विश्वास है कि कुंवर प्रताप अपने मित्र के साथ अवश्य आएंगे और साथ में आपके गाने का संदेशा भी लेकर आएंगे। तुरंत जाके राणा जी के विशेष पान के लिए जो मसाला तैयार किया है उसे ले आओ। न जाने हमें क्यों ऐसा लगता है कि बिजोलिया जाने से पहले राणा जी ने वो पान नहीं खाया था। ऐसा लगता है कि जी पे उस अमल का कोई असर ही नहीं था। यदि राणा जी पे अमल का असर मिट गया तो हमारे इतने वर्षों की श्रम पे पानी फिर जाएगा। खड़ी खड़ी मुंह मत देखो, जाओ जाकर वो पान ले आओ, जाओ। न जाने ऐसा क्या है बिजोलिया में जो वहां जाते ही आई सिर्फ कुंवर प्रताप परंतु राणा जी में कोई प्रभाव नहीं रहता हमारा। मिटा देना चाहिए बिजोलिया को मेवाड़ के मानचित्र से और हमारी स्मृतियों से। कुंवर प्रताप ने अजब दे की स्मृतियों को इतनी सहज से अपने कक्ष में रखा है और हमें
हमें लगा कि अजब ने कुंवर प्रताप के लिए मर चुकी है, पर नहीं, हम अजब देखो इस महल में वापस नहीं लौटने देंगे, नहीं लौटने देंगे। सौगंधे हमें हमारे सपनों की, हमारी सहजी महत्वाकांक्षाओं की, सौगंधे उन सब लोगों के जिन्हें चुन चुन कर हमने अपने मार्ग से हटाया है। आचार्य को इस महल में हम नहीं लौटने देंगे, किसी भी मूल्य पर नहीं, किसी भी मूल्य पर नहीं, नहीं, नहीं। चल रहा है दोनों के बीच में, कुछ अनुचित है। ये मां जीजा भी ना, वैसे तो हर पल हमारे साथ रहेंगी, हमारी हर बात पर अपनी कड़ी दृष्टि भी रखेंगी, हम कहां जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, पर जब उनकी आवश्यकता अनुभव हो रही है तो पता नहीं कहां चली गई हैं, देखी नहीं रही गई। जान कवर, ऐसी क्या बात है चंद, क्या आपको इतनी आवश्यकता अनुभव हो रही है मानकवर की? नहीं रानी मां, देख रहे हैं हम, कब से आप दोनों किसी समस्या में उलझे हुए हैं, या फिर कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो हमने दिया हो आपको? चलिए चांद को छोड़िए, आजकल ये मान कवर के प्रभाव में अधिक समय बिताती है, आप बताइए वे भाई जी क्या बात है? जब वो कुंवर प्रताप के कक्ष में हमें ये प्रपत्र मिला था। कैसा प्रपत्र? जीजा वो ये वास्तव में कुंवर प्रताप और अजब दे के फलादेशों सहित कुंडली है। इसमें ये भविष्यवाणी है कि अजब दे इसी सप्ताह महल लौटेंगी। और इस व्यर्थ सूचना के साथ क्या करने जा रही थी आप? हमने सोचा कि मानकवर से कहे कि वो राणा जी को उचित समय देखकर मनाए कि ताकि उनके आदेश अनुसार कुंवर प्रताप अजय देखो लेने बिजुलिया जा सके। हम मानते कि हमारी गलती है, ये हमें ऐसा सोचना ही नहीं चाहिए था जीजा। पता नहीं हमारी बुद्धि में ये बात कहाँ से आ गई और हमें ये इसे फाड़ देना चाहिए था। नहीं नहीं नहीं, हम इस पर प्रपत्र को जला ही देते हैं जीजा, ताकि किसी को पता ही ना चले। कितनी बार समझाया आपको परंतु आप नहीं माने। अब हमें लगता है आपको हमें हमारे तरीके से समझाना है। जीजा एक बार चलिए राणा जी के पास, एक बार क्षमा कर दीजिए रानी मां, एक बार क्षमा कर दीजिए रानी मां, छोड़ दीजिए। हमने कहा था ना आपसे रानी मां, छोड़ कहा था ना रानी मां, आप सबको बताएंगे कि आपने इतने सारे वर्ष इस महल में क्या किया। चलिए हमारे साथ, सब सुनेंगे आज, सब देखेंगे आज। देखिए आप सब, आपकी छोटी रानी का असली चेहरा, स्त्री के पीछे का असली चेहरा आज बताएंगे आपकी करतूतें इन सबको। आप सबने अपने मन में बिठा रखा था ना इनको, इनकी करतूत हम बताएंगे। कुंवर प्रताप, राणा जी,
क्या बात है रानी माँ? आप जानना चाहते थे ना कुंवर प्रताप, कि अचानक ऐसा क्या हुआ था कि आपकी रानी माँ हमारी जीजा महारानी जयवंता बाई आपको, राणा जी को, इस महल को, हम सबको छोड़कर चली गई? उस दुर्भाग्य का कारण आपकी छोटी माँ है। रानी माँ, ये क्या कह रही हैं? सच कह रहे हैं हम कुंवर प्रताप। बताइए वीर भाई जी, सच बताइए कुंवर प्रताप को कि इतने वर्षों में आपने ऐसा क्या किया है? बताइए वीर भाई जी। ये सच है, हमसे दुखी होकर जीजा ये महल छोड़कर गई थी। क्या? हमें क्षमा कर दीजिए कुंवर प्रताप, हम अपने स्वार्थ में अंधे हो गए थे। हमें क्षमा कर दीजिए कुंवर प्रताप, अपनी छोटी माँ को क्षमा कर दीजिए जीजा, हमें क्षमा कर दीजिए जीजा, हम फिर से कभी ऐसा नहीं करेंगे। बोल मत, काले कलाही जाए। हमें क्षमा कर दीजिए जीजा। मृत्यु दंड मिलेगा जब आप जीजा, हमें क्षमा कर, तब पता चलेगा। अच्छा आप बताइए जान, क्या बात है? आप तो अपनी रानी माँ से कुछ नहीं छुपाती हैं, प्यारी प्यारी बेटी है ना, चलिए बताइए। वो रानी माँ, हम माँ जीजा को इसलिए ढूंढ रहे थे क्योंकि 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 क्या है ये? महारानी साहब, ये हम आपके बताए विशेष पान मसाले वाला पान बनाकर ही ले आए हैं। जाकर कक्ष में रख दीजिए, जाइए। पर रानी साहब, वो जो विशेष रूप से तैयार करवाया हुआ पान मसाला आपने डालने के लिए बोला था। हमने कहा ना आपसे, भीतर जाकर कक्ष में रख दीजिए, समझ में नहीं आता? आप दोनों जाइए, जो कर रही थी कीजिए, जाइए। देखो चेतक, हम प्रतिदिन तुम्हें अपने हाथों से तुम्हारे पसंद की ये कोमल कोमल घास खिलाएंगे। खाली हिनहिनाने से नहीं चलेगा, तुम्हें हमें अपनी पीठ पर बिठाकर यहाँ के सभी सुंदर सुंदर स्थानों पर ले जाना होगा, जहाँ तुम दादा भाई को ले जाते हो। ही? मां जीजा, कहाँ थी आप सुबह से? कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा आपको, पूरा महल छान मारा आपके लिए। अरे अरे, ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई हमारी? ये देख, इसके लिए ढूंढ रहे थे हम आपको, देखिए इसे। विषय फल के अनुसार तो आ गया है अजब देव भाभी जी का इस महल में लौटने का समय, और वो भी इसी सप्ताह। हाँ, पर उन्हें लाएगा कौन? दादा भाई, और कौन? हमने पता लगा लिया है कि दादा भाई आज भी मन ही मन बहुत प्रेम करते हैं अजब देव भाभी जी को। हम जब पहली बार इस महल में आए थे ना, तभी हमें पता चल गया था। पर अब समस्या ये है कि दाजीराज दादा भाई को अनुमति दे, तभी तो दादा भाई बिजोलिया जाकर अजब देव भाभी जी को लेकर आए। अरे तो हम दोनों सुबह से आपको क्यों ढूंढ रहे? इसीलिए तो। हाँ जीजा, इस काम के लिए तो आप ही कोई जुगत भिड़ा के मना सकते हैं दाजी राज। और ये काम आपको करना ही पड़ेगा मानकर। हाँ जीजा। हाँ, अरे हाँ हाँ हाँ, हमें सोचने तो दीजिए। दाजी राज, गुलाब जामुन लीजिए ना, आपके पसंद के मिष्ठान है ना, बहुत स्वादिष्ट है, चांद ने अपने हाथों से बनाई है। अच्छा,
जब चांद कुंवर को हमने पहली बार देखा था तब उन्हें यह भी नहीं पता था कि इस महल में पाकशाला किस ओर है, और आज दाजीराज हम लड़कियां हैं ना, हम ऐसी होती है, कब कैसे बड़ी हो जाती है पता ही नहीं चलता। और आप देखिएगा कुछ दिनों में जब हम दोनों कुछ और बड़ी हो जाएंगी फिर आपके इस महल को और आप सभी को छोड़ के सदा सदा के लिए दूर चली जाएंगी, यही नियति है ना। क्या हुआ, हमने कुछ अनुचित तो नहीं कहा ना? कितने दिन लिखे हैं, रह लेंगे फिर तो। खीर दीजिए ना इन्हें, बहुत स्वादिष्ट है। रुक जाइए, मान कुंवर क्या बात है, क्या चाहती हैं आप हमसे? रहने दीजिए राणा जी, आप इनकी बातों पर ध्यान ना दें। पीर भाई जी बताइए क्या चाहती हैं? दाजीराज जी, जी दाजीराज पहले आप वचन दीजिए कि जो भी हम आपसे मांगेंगे आप देंगे हमें। ठीक है, हम आपको वचन देते हैं, मांगिए क्या मांगना है। वो हम दोनों चाहते हैं कि दादा भाई को अनुमति दे दें। किस बात की अनुमति दे दें? अनुमति वापस महल में लाने की, अजब दे भाभी जी को। आप दोनों का ऐसा दुस्साहस, ऐसे बात करेंगे आप हमसे? नहीं कुंवर प्रताप, ऐसी बातों में इनको आश्रय मत दीजिए। पहले ही हाथों से निकलती जा रही है, ना कोई अनुशासन है ना किसी का भय। और राणा जी हम तो कहते हैं थोड़ी डांट अपमान कुंवर को भी लगाइए, जब से यहाँ आई है बिगाड़ती जा रही है अपनी तरह अपनी छोटी बहन को। क्षमा चाहते रानी माँ, किंतु हमारे विचार से चांद ने दाजीराज से जो मांगा है उसमें ऐसा क्या अपराधजनक है? मान बस। क्यों दादा भाई, सच तो बोलना पड़ेगा ना, क्योंकि आप अपनी मर्यादा तो निभा रहे हैं लेकिन उसके लिए अपनी भावनाओं को अंदर ही दबा लिया है। मान हम चाहते हैं कि इस विषय पर इसी क्षण विराम लगा देना चाहिए। क्षमा कीजिए दाजीराज, पर हम फिर भी आपसे ये बात कहेंगे क्योंकि दादा भाई ये बात आपसे कभी नहीं भूलेंगे। किंतु सच यही है कि दादा भाई को अजब दे भाभी जी की कमी हर पल खलती है। बस मान कवर बहुत हुआ, अब कोई भी एक शब्द नहीं बोलेगा। चल कवर चलिए, कब से देख रहे हैं हम कि आप दोनों अपने दाजीराज और अपने दादा भाई को लज्जित किए जा रहे हैं। चलिए जाइए यहां से। दोनों मूर्ख हैं राणा जी, आप इनकी बातों पर ध्यान ना दें, आप भोजन कीजिए। भोजन कीजिए कुंवर प्रताप जी। चुक चुक जी, जी। राणा जी हम सिखाएंगे ना दोनों को अनुशासन, आप बिल्कुल उनकी चिंता ना करें। दोनों न जाने क्या बोल जाती हैं, जाने दीजिए। कुंवर प्रताप एक प्रश्न पूछे आपसे, सच सच उत्तर दीजिएगा। दाजीराज हम सदैव सत्य ही बोलते हैं। आपको लगता है कुंवर प्रताप कि आपकी रानी मां का इस महल को छोड़ के जाने का कारण अजब दे थी? इसमें पूछने वाली कौन सी बात है दाजीराज,
कुंवर जगमाल, जब आपके दाजीराज अपने ज्येष्ठ पुत्र से बात कर रहे हो तो बीच में नहीं बोलते। कुंवर प्रताप, आपने हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। अजब देने सदैव मां की पूजा की है। इतना ही नहीं, मां के बताए हुए जीवन मूल्यों को उन्होंने आज तक अपने मन में सहेज के रखा है। हमें नहीं लगता दाजीराज कि मां अजब दे के कारण इस घर को छोड़कर गई, इस महल को छोड़कर गई। नहीं, नहीं लगता, नहीं लगता।